UP Chief Minister Yogi Adityanath has fired a fresh ammunition day after the Election Commission announced the dates for 2022 Uttar Pradesh Dangal. The Chief Minister said that 80% of people with positive energy will vote for the BJP. Well, this remark has evoked obviously a strong reaction from the opposition parties. Samar Shrivastav gets us this detailed report. ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा. 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा. State of war UP locked and loaded. Yogi fires big ammunition post poll dates announcement, pitting 80% voters with positive energy with the remaining 20% who he claimed were with negative energy, asserting that the 80% will vote for the BJP only, not the rest. ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा. 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा. और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे. 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी. बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी. The opposition has come out all guns blazing against Yogi, claiming that Chief Minister Yogi Adityanath is pitting 80% Hindus with 20% Muslims in Uttar Pradesh. भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक कुटने और पिटने लगे, तब भाजपा को 80 और 20 की बात याद आई. ये लड़ाई 80 और 20 की नहीं है, ये लड़ाई 15 और 85 की होगी. जाके गड़ी तभी भी भाजपा अपना ठीक कर ले और 15 से भी नीचे आएंगे. ये योगी आदित्यनाथ जी का 80% और 20% का दावा करना ये साफ तौर से झलकाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादा सबका साथ सबका विकास खुद ही तोड़ती हुई नजर आ रही है. चुनाव हारने के डर से अब वो 80-20 तुष्टिकरण की राजनीति सांप्रदायिकता की तरफ चुनाव को ले जा रहे हैं. अगर इस तरीके की बयानबाजियां जो धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर या किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करती हैं या किसी भी तरीके का पोलराइजेशन समाज में पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को खुद